हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी कलयुग के अंत को लेके, और उस वीडियो पे आपका बहुत सारा रिस्पॉन्स आया और आप सभी ने मुझे बहुत सारे सवाल भी पूछे। तो उसमें से मैं पांच मुख्य सवालों का जवाब आज देने वाला हूँ जो आप सभी ने मुझसे पूछे, और ऑलमोस्ट सभी लोगों के ये सवाल थे और इसलिए मैंने इन पांच सवालों को चुना है। तो सबसे पहला सवाल जो आपने मुझसे पूछा, अगर कलयुग का अंत हो चुका है तो क्राइम अभी क्यों बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि हर जगह जहाँ भी वो मीडिया में, न्यूज़ में, रील्स में, जहाँ भी देखते हैं उन्हें दिखता है कि क्राइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है। डार्क वेब में भी अगर देखें तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि डार्क वेब में भी अभी जो भी दिखाया जाता है, इससे यही साबित होता है कि कलयुग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं जो आर्ग्यूमेंट देने वाला हूँ वो ये है कि क्राइम ख़त्म तो नहीं हुआ है, यस, लेकिन क्राइम अगर आप 1600 से 1700 AD के पीरियड को देखें, उसके मुकाबले अगर आप अभी के टाइम को देखें तो उसके मुकाबले क्राइम आई थिंक 10% भी नहीं है। इसका कारण ये है कि जो भी क्राइम होता है या जो भी कुछ होता है आजकल, वो सब कुछ विजिबल है, हमारे सामने, हमारे स्क्रीन के ऊपर है। कहीं भी कुछ भी होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति होता है जिसके हाथ में एक फ़ोन होता है और वो रिकॉर्ड कर सकता है उस चीज़ को। लेकिन अगर आप पीछे जाएँ समय में, अगर आप जाएँ मुग़लों के समय या फिर जब अंग्रेज़ आए थे भारत में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस समय क्राइम का कोई रिकॉर्ड रखने वाला था नहीं। उस समय कैमराज नहीं थे, उस समय आपको किसी भी स्टेट में कितनी भी बर्बरता हो रही है उसका खबर आपको मिलने में 2 या 3 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता था, और न्यूज़पेपर्स भी उतनी एक्टिवली उस समय काम नहीं करती थी। और क्योंकि वो एक पीरियड था डिक्टेटरशिप का, तो वहाँ पर जिस प्रकार से क्राइम होता था, यानी कि जो सरकारें थी उस समय, वो तो राह चलते लोगों को इसी प्रकार से मार देती थी, लेकिन हमें इसके बारे में पता भी नहीं है। इसका कारण ये है कि उस समय इतनी विजिबिलिटी ही नहीं थी जो आज है। अगर आज क्राइम कुछ भी होता है, जितना भी होता है, वो सारी विजिबिलिटी हमारे पास है। तो विजिबिलिटी होना बुरी बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया है आज के टाइम में। नहीं, आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आप अपना लाइफ किस प्रकार से व्यतीत कर पा रहे हैं, क्या आपको जीवन जीने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पे इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो उस टाइम पीरियड के मुकाबले 1500, 1600 या 1700 AD के मुकाबले अभी का टाइम पीरियड ज़्यादा कम्फर्टेबल है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप देखें लोगों की, तो उस समय अभी से 100 साल पहले की भी अगर हम बात कर ले तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल भी नहीं होती थी, और अभी लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 के ऊपर है एवरेज। तो इससे आपको क्या समझ में आता है। और एक जो सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है, दूसरा सवाल, वो ये है कि कलयुग के बाद सतयुग क्यों नहीं आया और वापस से द्वापर युग क्यों आ गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, तो आपके रास्ते में बहुत सारे बस स्टॉप या स्टेशन आते होंगे, और जब आप ऑफिस से वापस घर आते हैं तो क्या आप डायरेक्ट घर पहुंच जाते हैं या वापस आप उन स्टेशन्स को क्रॉस करते हुए रिटर्न आते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब सन अपने रोटेशनल पाथ में गैलेक्टिक सेंटर के करीब जाता है, तो जिस प्रकार से सन करीब जाता है उसी प्रकार से वो दूर भी जाएगा। और यही कारण है कि ये जो पाथ है ये लीनियर है, तो ये एक लीनियर साइक्लिक पाथ आप इसको बोल सकते हैं। इसीलिए जब आप एक लीनियर पाथ पे एक पॉइंट पे पहुंचते हैं A to B, तो आप फिर वापस B to A जाएंगे, ठीक है, और B to A के बीच में जितने भी स्टॉप्स हैं वो आपको वापस से क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, और जब भी आप किसी बाइनरी स्टार सिस्टम को देखेंगे तो उनके बीच में जो भी रोटेशन होता है वो इसी प्रकार से होता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर रात हो गई तो उसके बाद तो दिन ही होगा, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, इसके वजह से रात के बाद दिन होता है। तो ये एक सर्कुलर मोशन है, लेकिन जब हम युगों की बात करते हैं, जब हम बाइनरी स्टार्स की बात करते हैं, उनके रोटेशनल पैटर्न की बात करते हैं, तो वो एक सर्कुलर मोशन होने के साथ साथ विथ रिस्पेक्ट टू विष्णु नाभि, जो कि गैलेक्टिक सेंटर है, उसके रिस्पेक्ट से हमें देखना पड़ेगा कि उसकी मूवमेंट कैसी है। अगर सन की मूवमेंट हम देखें तो ऐसे तो रोटेशनल साइक्लिक मूवमेंट है, लेकिन अगर हम रेफरेंस फ्रेम में
गैलेक्टिक सेंटर को रखे तो वो एक लीनियर मूवमेंट बन जाती है वहाँ पे। और जहाँ पे लीनियर मूवमेंट होती है वहाँ पे जब भी आप किसी पाथ को क्रॉस करके जाते हैं तो आप वापस उसी पाथ से रिटर्न आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर भी दिखाऊँगा। यहाँ पे मैं हमारे आकाश गंगा को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हमारी गैलेक्सी है और डिस्क शेप की है। और ये जो व्यू है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो हमारी आकाश गंगा कुछ इस प्रकार से डिस्क शेप में दिखती है। ये बहुत ही रफ इमेज मैंने ड्रॉ किया है, तो आप मेरे ड्राइंग को प्लीज़ जज मत करिएगा। तो यहाँ पे ये जो है, ये गैलेक्टिक सेंटर मैंने बनाया है, जिसे हम सुपर सन कहते हैं या फिर विष्णु नाभि भी कहते हैं। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सन, जिसे मैंने रेड एरो से उसके ऑर्बिट को रिप्रेजेंट किया है, और सीरियस, जिसे ब्लैक एरो से मैंने उसके ऑर्बिट को रिप्रेजेंट किया है। और ये इस प्रकार से कुछ रोटेट करते हैं एक दूसरे के तरफ। और ये जो डिस्टेंस है, ये सन की मैक्सिमम डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं विष्णु नाभि से, और ये मिनिमम। और जो मिनिमम डिस्टेंस है वही जो जब वहाँ से सन जाता है तो सतयुग आता है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो ट्रैवल करता है वहाँ से सन, तो वहाँ पे कलयुग का टाइम चलता है। और इसी प्रकार से ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी इवॉल्व होती है, जब सन का डिस्टेंस मैक्सिमम है और मिनिमम के तरफ आ रहा है, तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस विष्णु नाभि के करीब होने की वजह से इवॉल्व होती है, और जिस प्रकार से दूर जाता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कम होती है। तो ये जो पाथ है, ये सन का पाथ है, जो कि आगे और पीछे की तरफ लीनियर मूवमेंट होती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो पाथ है, ये दो हाफ्स में डिवाइडेड है, जो कि 12,000 ईयर्स का एक साइकिल बनाता है, और फिर जब वो रिटर्न आता है सन, तो 12,000 ईयर्स का एक साइकिल बनाता है, जिसमें चारों युग इंक्लूडेड है। तो इन दोनों साइकिल्स में, जो हाफ टू हाफ्स में है, इसमें चारों युग इंक्लूडेड है, और ये पूरा मिलकर 24,000 ईयर्स के पूरे साइकिल को बनाते हैं, जिसमें चारों युग दो बार आते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि कलयुग अगर ख़त्म हो चुका है, कलयुग को ख़त्म हुए अगर 324 साल हो चुके हैं, तो आखिर कल्कि कौन थे, कल्कि भगवान कौन थे, और कल्कि भगवान आए भी थे या नहीं आए थे। तो ये सवाल थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बन जाता है, और इस सवाल का सही जवाब किसी के पास भी नहीं है। मैंने भी जो स्पेक्युलेशन लगाया, मुझे ऐसा लगा कि शायद छत्रपति शिवाजी हो सकते हैं। मैंने कन्फर्म नहीं बोला कि हाँ मैं एकदम श्योर हूँ कि वही है, नहीं, हो सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है उस टाइम में, और वो टाइम पीरियड इतना डार्क था कि किसी भी के भी बारे में वैसी डॉक्यूमेंटेशन की भी नहीं गई। और कल्कि का जो डिस्क्रिप्शन कल्कि पुराण में है, तो पुराण को अगर आप लिटरली ले लें, यानी कि शब्दों में जो भी लिखा है पुराण में, अगर आप उस चीज़ को सत्य मान ले जिस प्रकार से वो लिखा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ, क्योंकि आप जितने भी पुराण हैं, विष्णु पुराण या कल्कि पुराण या शिव पुराण, ये सारे जो स्टोरीज़ हैं, ये सारे स्टोरीज़ अगर आप उठा के देखें तो ये लिटरली हुए नहीं हैं। ये एक मेटाफोरिकल तरीके से हमें स्टोरीज़ के माध्यम से कुछ फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर चंद्रमा के 27 वाइव्स बताई गई है पुराण में, तो वो लिटरली मून की 27 वाइव्स है ऐसा तो नहीं है, वो 27 नक्षत्रों के बारे में बताया गया है। तो उस तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से वहाँ पे बताया गया है, ताकि हमें समझ में आए कि एस्ट्रोनॉमिकली कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा नक्षत्र कहाँ पे लोकेटेड है। तो पुराणों में जो स्टोरीज़ है, अगर आप उनको लिटरली ले लें, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। हाँ, वेदों को आप ले सकते हैं, लेकिन वेदों में युगों के साइक्लिक डिस्क्रिप्शन के बारे में उतना कुछ नहीं बताया गया है वेदों में, और ये सिर्फ पुराणों में, और पुराणों में कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ गलती तो मुझे लगती है, जो कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से गलती हुई थी और किस प्रकार से राजा परीक्षित के समय वो गलती हुई थी, क्योंकि वो डार्क एज था। आपने ये भी सवाल मुझसे पूछा कि ये सारे चीज़ों में हमारी दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो सिर्फ इंडिया को कंसिडरेशन में क्यों लिया गया। इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप 15,000 साल पीछे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उस समय जो भी एविडेंसेस आपको मिलेंगे, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे यंगर ड्रायस पीरियड, तो यंगर ड्रायस पीरियड जो है वो 14,000 साल से लेके करीब 12,000 साल के बीच में पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वो आता है। और वो एक ऐसा टाइम था जब जहाँ पे
अर्थ का जो टेम्परेचर था वो अभी जितना है उससे बहुत कम था, और उस समय जो पॉपुलेशन या जो भी आप बोले वेजिटेशन वो कॉन्सेंट्रेटेड थी ट्रॉपिकल एरियाज़ में, और इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन होने के वजह से ये सारी जो घटनाक्रम है ये इस पीरियड में जो भी हमारे इतिहास में लिखा गया है, जो रामायण और महाभारत में लिखा गया है, वो इसी बेल्ट में हुआ। भारत का जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ से लेके अफगानिस्तान, टर्की, ये पूरे रीजन्स इसमें शामिल है। और ऐसा नहीं है कि यूरोप में जो कंट्रीज़ है वो पूरी ही डिस्कनेक्टेड थी ये सारी चीज़ों से। आप देखेंगे तो जो कल्चरल जो सिमिलैरिटी है वो आपको अभी भी दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन उतनी थी ही नहीं, वो आइस से कवर्ड था वो रीजन। यही कारण है कि आपको कल्चरल सिमिलैरिटीज़ भी दिख जाएंगी अगर आप थोड़ा भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जो स्टोरीज़ है हो सकता है नाम थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन नाम में भी सिमिलैरिटी मिल सकती है आपको। ये सारी सिमिलैरिटीज़ जब आप मैप करते हैं, देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ये एक्चुअली अफ्रीकन इंडियन कल्चर जो है यही स्प्रेड हुआ है चारों तरफ। तो इसमें सिर्फ इंडिया कंसिडरेशन में नहीं है, क्योंकि इंडिया अभी जो इंडिया है वो नहीं था। इंडिया बहुत ही एक वास्ट रीजन था, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट जो एरिया था वो पूरा इंडिया था। आखिरी जो सवाल है वो आपने मुझसे पूछा था कि कल्कि का जो डिस्क्रिप्शन पुराणों में है आखिर उसका क्या होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि कल्कि का जो भी डिस्क्रिप्शन पुराणों में है वो मेटाफोरिकल है। आप अगर देखेंगे तो ऐसा बताया गया है कि कली यानी कि जो भी जो डार्कनेस आएगा कलयुग के साथ वो चार या पांच चीज़ों में बसेगा, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन हो गया, अल्कोहल हो गया, या ये सारे जो बुरे ट्रेट्स हैं, जो तामसिक ट्रेट्स हैं, इन सारी चीज़ों में कली की प्रेजेंस होगी। और ये जो प्रेजेंस है कली की, अगर आप पीछे जाएं समय में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पहले होती थी, अभी ये कम हो रहा है। अगर आप अपनी बुद्धि को यूज़ करें और देखें अपने चारों तरफ तो आपको समझ में आएगा कि पहले के टाइम में कैसी बर्बरता होती थी, किस प्रकार से इन्वेजन्स होते थे, ब्रूटल अटैक्स होते थे। अभी वैसा नहीं होता है। अभी अगर कोई कंट्री वॉर में भी जाती है तो उस तरीके का ब्रूटल अटैक नहीं होता जिस प्रकार से पहले हुआ करता था। अभी भी चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हो गई है, क्योंकि हाँ, कलयुग के बाद सतयुग डायरेक्टली नहीं आएगा और आ भी नहीं सकता। ये ट्रांजिशन बहुत स्लो होता है, तो कलयुग के बाद द्वापर ही आएगा और धीरे धीरे द्वापर में चीज़ें सुधरनी शुरू होंगी। और ये जो आने वाला जो पीरियड है 2000 साल का, इसके बाद आएगा त्रेता, और त्रेता में फिर वापस चीज़ें और भी ज़्यादा सुधरेंगी। तो अभी अगर आप सोचेंगे कि आपके जीवन काल में वो सारे सुधार आपको देखने को मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कंपेयर करेंगे अगर आज से 500 वर्ष पहले किस प्रकार का माहौल था, अभी किस प्रकार का है, तो अभी बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और कल्कि का जो प्रेजेंस है वो बहुत ही मेटाफोरिकल है। कल्कि हो सकता है कि कल्कि सिर्फ एक इंसान कल्कि बन के ना आए, हो सकता है कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो इस प्रकार से इवॉल्व हो कि हम सभी के अंदर वो कल्कि हो। हम जब अपने कॉन्शियसनेस को देखें और इवॉल्व करने की कोशिश करें तो उसी से सारी जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाए और कली का अंत हो। तो अभी आप देखेंगे तो कली डिक्लाइन में है, यानी कि जो नेगेटिव ट्रेट्स, और कल्कि मतलब जो पॉजिटिव ट्रेट्स है ह्यूमन बीइंग के और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर, वो बढ़ रहे हैं। हमारी आने वाली जनरेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें कि हमसे पहले की जो जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, उनमें ज़्यादा शार्पनेस, उनमें ज़्यादा इंटेलिजेंस था, या आप में है, या फिर आपके बच्चों में है, आप देखिए कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन किस प्रकार से इवॉल्व हो रहा है, तो आपको ये बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देगा। बहुत ही धीरे धीरे स्लोली चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज तो आपको दिखेगा। आने वाली जो जनरेशन है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, उनके अपने स्ट्रगल्स हो सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस के मामले में, कॉन्शियसनेस के मामले में, वो हमसे ज़्यादा इवॉल्व ज़रूर होंगे। और एज ह्यूमन बींग्स हमारे पास ये फ्री विल है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व कर सकें, और हम अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे इवॉल्व करेंगे ये तो मैंने अपनी जेन योगा सीरीज़ में आपको बताया ही है। तो आप यहाँ क्लिक करके उस पूरे सीरीज़ को देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि आपका माइंड कैसे काम करता है और आप किस प्रकार से अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व कर सकते हैं।